अभी दो महीने का भी वक्त नहीं बीता जब मध्य प्रदेश में सोयाबीन का भाव 11,000 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन अब यहाँ इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी दाम कम हो गया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के विधानसभा क्षेत्र हरदा में 27 अक्टूबर को सोयाबीन का न्यूनतम दाम 1700 रुपए के स्तर पर आ गिरा। यह बात किसी किसान नेता ने नहीं बताई है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम पर यह रेट मौजूद है। इस प्लेटफॉर्म का केंद्र सरकार कृषि सुधार की दिशा में एक कदम बताती है। दाम का ये हाल सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक सूबे का है। मध्य प्रदेश में देश का 45% सोयाबीन उत्पादित होता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। यहाँ इस साल 58,54,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल बोई गई है। ज्यादातर किसान इसी की खेती पर निर्भर हैं। एमपी में आगर मंडी में सोयाबीन का न्यूनतम दाम 2365, खंडवा में 3700, हरदा में 1700 और सीहोर में सिर्फ 3000 रुपये क्विंटल रहा, जबकि एमएसपी 3950 रुपये प्रति क्विंटल है। अधिकतम रेट किसी भी मंडी में 6000 रुपये प्रति क्विंटल तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसानों की आय डबल कैसे होगी। सोयाबीन का दाम 5000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक होने पर हाय तोबा मचाने वाले लोग अब गायब नजर आ रहे हैं। वहीं कृषि अर्थशास्त्री के मुताबिक सुधार के नाम पर बनाए गए किसी प्लेटफॉर्म पर किसानों को एमएसपी से कम कीमत मिल रही है, तो ऐसे बदलाव का किसानों को क्या ही फायदा। जब तक सरकार एमएसपी को ई नाम का न्यूनतम प्राइस नहीं बनाएगी, तब तक इसका लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। एमएसपी से नीचे खरीद ना हो तब तो इसकी सार्थकता है। दाम कम होने के पीछे आवक में वृद्धि को बताया जा रहा है, लेकिन क्या इसका सिर्फ यही एक कारण है। मध्य प्रदेश के किसान नेता का कहना है कि सोयाबीन का दाम इतना कम होने के पीछे खाद्य तेलों के माफियाओं की रणनीति है। वो भी सस्ता सोयाबीन खरीद कर फिर महंगा तेल बेचेंगे। उनकी मुनाफाखोरी किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को तबाह कर रही है। अगर सोयाबीन के दाम का यही हाल रहा तो फिर किसान बुआई करना बंद कर देंगे। दाम कम मिलेगा तो फिर कोई क्यों खेती करेगा। खेती नहीं होगी तो खाद्य तेलों पर हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर और ज्यादा बढ़ती रहेगी। वहीं कृषि क्षेत्र के एक जानकार का कहना है कि सोयामील आयात की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। सोयामील सोयाबीन के बीजों से तैयार किए गए उत्पादों को कहते हैं, जिनका इस्तेमाल पोल्ट्री इंडस्ट्री में पशु आहार के रूप में किया जाता है। सरकार ने 12 लाख टन जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील के इंपोर्ट का फैसला किया था। सोयामील इंपोर्ट के फैसले के खिलाफ 26 अगस्त को ही महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि इंपोर्ट के फैसले से किसानों में भारी रोष है। इस फैसले के तुरंत बाद सोयाबीन की कीमतों में 2000 से लेकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट आ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।